ये है जे जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद अलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोई जमात का, कोई सियासी पार्टी का, कोई कुछ है, ये सब जोड़ को हम यहाँ चलाना पड़ता है। और ये जमहूरियत है, यहाँ पर जब तक लोगों को इकट्ठा नहीं करो तब तक सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। इसीलिए मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा आसिफ भाई से और उनके जिम्मेदारान से। हमारा ये तय हुआ था कि हम अंसार जमात थाने के डोम में प्रोग्राम रखेंगे, वहाँ पर सब बातें बोलेंगे, मगर फिर भी इंशाअल्लाह ताला उनको हम खाना खिला के ही इस्तकबाल करेंगे उस वक्त जब भी हम रखेंगे। यहाँ पर हम रस्मन आ गए, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हुए हमको अफसोस है और हम आपके गम में बराबर शरीक हैं। आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फूल हार यहाँ नहीं लाए। ये हमको वो बोले थे कि मेरे घर में ये पोजीशन है, आप जो है ज़रा समझो। इसलिए हम लोग बात तय हो गई थी, इसलिए हमारा फ़र्ज बनता था कि दूसरे दिन जुमा के दिन हम आपके घर आ जाते, मगर आप उस प्रोग्राम में बिजी थे और फोन लगाया नहीं लगा, जगह ऐसा दो दफ़ा हुआ। और हम उसके ताल्लुक से बहुत बात सुन चुके हैं, दो दिन में मुफ्ती इस्माइल साहब हमारा इस्तकबाल कर दिए, इसलिए वो मामला ज़्यादा गर्म था। तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, मगर मैं सैजिंग एसोसिएशन की जानिब से, इस शहर की तमाम बुनकरों की जानिब से और उससे जितने लोग रोज़गार पाते हैं उन सब की जानिब से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यार हम रहे ना रहे, आप इस शहर के लिए ऐसे ही लगे रहेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। साइजिंग मालकान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो एनजीटी में केस था वो अल्लाह का एहसान है कि वो एसोसिएशन की तरफ से उसका फैसला आया और हमारे मुखालिफ में जो पिटिशनर था उसकी पिटिशन खारिज कर दी गई। मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद दूँ। मैं कोई भी सियासी तौर पर, मैंने पहले ही रोज़ से ये बात कही थी कि मैं इसके अंदर बिल्कुल कोई सियासत नहीं करूँगा, कोई मेरा झंडा लेकर नहीं आऊँगा और मैं आज तक इस बात के ऊपर कायम हूँ। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर आइंदा भी कोई लड़ने के लिए अगर कोई आगे आता है, हमारे मुखालिफ में आता है, तो उसके लिए भी मैं आखिर तक लड़ने के लिए झंडा घर पर आप लोगों को मैं मिलाता हूँ। इसके अंदर कुछ जब नतीजा आया तो कुछ सियासी शहर के हमारे जिम्मेदारान ने सियासत करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा एसोसिएशन के किसी भी शख्स के ऊपर कि ये इनकी गलती है, बल्कि मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि आप इसके अंदर सियासत करके, मैं समझता हूँ ये मसले को और ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, साइजिंग एसोसिएशन वाले आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल बहरहाल होना चाहिए। किसने मेहनत की उसका इस्तकबाल होना चाहिए। एक टेम नहीं हज़ार टेम, उसके लिए कोई भी नाराज नहीं रहेगी। लेकिन मेरा जैसा शख्स, सियासी शख्स, अगर मैं आपके पास आकर आपका इस्तकबाल करके सिर्फ सियासी मसला उसको मैं बना दूँ तो मैं समझता हूँ हमारे मुखालिफ भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको मैं समझता हूँ चिढ़ाने का काम किया है। बहरहाल उसके ऊपर ज़्यादा बोलना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही मशवरा दूँगा, मैं कोई हुक्म देने
की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मैं छोटा हूँ असल में सबसे रूम में। मैं यही मशवरा दूंगा कि पेडी जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर के हमारी जितने पेपर थे, जो हमारी पुर्तगा थी, जो हमारे पास पेपर थे या कॉरपोरेशन का जवाब था, हमारा रिप्लाई था या पोल्यूशन का रिप्लाई था कंट्रोल बोर्ड का, उसके ऊपर बहस हुई नहीं है। ये सब चीज़ों के ऊपर कोई बहस नहीं हुई, कोई मेरिट के ऊपर ये केस नहीं उड़ा है, मेरिट की बुनियाद पर खारिज नहीं हुआ है, बल्कि ये केस टेक्निकली बुनियाद के ऊपर खारिज किया गया। क्या टेक्निकली बात थी कि अगर उसने पिटीशन दाखिल की तो साइजिंग वालों को एक एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? कोर्ट ने ये कहा और इसके ऊपर पिटीशन खारिज हुई है और उसको इसके अंदर आगे चांस कोर्ट ने रखा है कि अगर वो आना चाहता है फ्रेश एप्लीकेशन लेकर तो वो आ सकता है और सेपरेट हम लोगों को पार्टी बना सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ, एक मेरा मशवरा ऐसा है आप लोगों से कि जिस हम लोग इत्तेहाद के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, आज तक हमने लड़ाई लड़ी, हम लोग इत्तेहाद कायम रखते हुए आगे सामने वाला क्या करता है उसके नज़र रखी जाए और कोशिश ये की जाए कि कुछ जिम्मेदार हमारे दो जिम्मेदार हो या हम ना हो, कोई भी सियासी वाले हो ना सियासी लोग उसके अंदर शामिल हो, तंजीम से भी हट के हो, सियासत से भी हट के हो, ऐसे चार पॉइंट लोग आप लोग बात करिए और जो सामने वाला जो फरीक है, हमारा जो सामने वाला है पिटिशनर, उसके जाके भाई की बातचीत करना चाहिए कि भाई जो तेरी लड़ाई थी, जो तेरी दुश्वारी थी, हम लोगों ने आज सब दुरुस्त कर दी है, जो तेरे को एतराज था वो भी दुरुस्त हो चुका है, तो ये शहर का रोजगार का मसला है, शहर की सनत का मसला है, तो आइंदा तो ये कदम ना उठा, तो पहल हम लोगों ने कर देनी चाहिए। में आगे आप लोग क्या करते हैं? हम पूरे मालेगांव शहर की सनत के लिए हर वक्त इसी तरह इत्तेहाद के साथ हर ऐसे लोगों का मुकाबला करते रहेंगे जैसे कि अंग्रेज़ यहां पर आए थे और हमारे मालेगांव शहर को 1921 में आज़ाद कराया गया था, उसी तरह हमारे बुज़ुर्गों का जो हमारे अंदर खून है, एक आज़ादी का खून है, वही खून इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तो हलाल रोज़ी के लिए रहेगा। ये आप ध्यान रखिए, हम हलाल रोज़ी के लिए हर वक्त तो तैयार रहेंगे इस शहर में। अच्छा, अगर इससे हटकर अगर कोई और ट्रस्ट उधर गया तो इसके लिए आप लोग आगे मुकाबला करेंगे? हम उनका मुकाबला करेंगे और ऐसे ना जो साजिश कर रहे हैं इस सनत को ख़त्म करने के लिए, उनको भी ओपन किया जाएगा, उनका समाजी बायकॉट किया जाएगा। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर आप? हर वक्त तो इत्तेहाद के साथ रहिए, अपनी सनत को बचाने के लिए अपने शहर को मस्जिदों और मीनारों का शहर रहिए, इसकी शनाख्त तो कायम रखने के लिए इत्तेहाद के साथ रहिए और गलत लोगों को इस शहर से दूर कीजिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो हमको कामयाबी मिली है। मैं शहीदिंग एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और बुनकरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ थे और हमको कामयाबी मिली। गरज इस शहर की सब छोटी बड़ी सब सियासी पार्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी सनत को बचाने के लिए सब ने इत्तेहाद का मजाहरा किया और उनकी दुआओं से और तमाम ही लोगों के खुलूस से हमको इस केस में कामयाबी मिली। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह इत्तेहाद के साथ रहेंगे।